दिल्ली के प्रदेश बीजेपी दफ्तर में सांसद मनोज तिवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को असम में दिए बयान पर घेरा। मनोज तिवारी ने कहा, अरविंद केजरीवाल असम में जाकर झूठा प्रचार कर रहे हैं कि मैंने दिल्ली की जनता को 15 लाख नौकरियां दी हैं। जब एक आरटीआई लगाई जाती है तो जवाब आता है कि अब तक सिर्फ 440 नौकरियां दी गई हैं। उन्होंने कहा कि 2012 से 2023 तक श्रम मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक 2238 नौकरियां दी गई। ये सीएम केजरीवाल के श्रम मंत्रालय की रिपोर्ट है। ऐसे में सवाल उठता है कि 15 लाख नौकरियां अरविंद केजरीवाल ने किसको दी? आप झूठ में ही जी रहे हैं, झूठ में ही सो रहे हैं, झूठ में ही जाग रहे हैं। दिल्ली के हमारे झुग्गी झोपड़ी से लेके और हर सेक्टर में रहने वाले लोग आज आपके सामने जो जानकारी है उस जानकारी के आधार पर हम स्तब्ध हैं कि कैसे एक चुना हुआ व्यक्ति, इतनी चिकनी चिपड़ी बातें करने वाला व्यक्ति कितना बड़ा झूठ बोलता है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा जी ने भी कुछ सवाल किए, लेकिन जोड़ी आप उनके सवालों का जवाब देने कि स्तर पे भी आप नहीं हो अरविंद केजरीवाल जी। लेकिन हम दिल्ली में विपक्ष के रूप में भारतीय जनता पार्टी आपसे मांग करती है कि आप हमें बताइए कि 12 लाख नौकरियों का डिटेल्स क्या है। इसके अंदर और घुसेंगे तो और भी इंटरेस्टिंग बातें आएंगी। आप झूठ में ही जी रहे हैं, झूठ में ही सो रहे हैं, झूठ में ही जाग रहे हैं। दिल्ली के